हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैथ लेक्चरर। हमने कल मतलब कि क्लास नाइन्थ के चैप्टर सिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सारा कुछ पढ़ा था। एंगल्स के बारे में जानकारी ली थी हमने, ठीक है, लाइंस के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, कोनों, एंगल्स, कोण के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की थी। शीर्षाभिमुख कोण, प्रतिच्छेदी रेखाएँ, अप्रतिच्छेदी रेखाएँ, उभयनिष्ठ, अउभयनिष्ठ क्या अर्थ रहेंगे, उन शब्दों को जाना था। कुछ एग्जाम्स 6.1 और एग्जाम 6.2 अभिकृत, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको एक ए बी रेखा दी गई है जिसको एक सी डी रेखा काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और कौन सी ओ बी को से एक रेखा, एक किरण ओ ई जा रही है, ठीक है, ये हम इसको नाम दे देते हैं ओ। अब हमें ये सिद्ध ज्ञात करना है, इसके अंदर हमें एक और दो कोण का जो जोड़ है वो 70 डिग्री दिया हुआ है। हमें कोण बी ओ ई, मतलब कोण नंबर दो, मैंने इनको नंबर दिए हैं, कोण नंबर एक, कोण नंबर दो, कोण नंबर तीन, कोण नंबर दो हमें पता करना है। और प्रतिवर्ती सी ओ ई, सी ओ ई मतलब हमारे पास ये कोण हो गया हमारा, मीन्स अगर मैं इसको चार नंबर कोण कह दूँ तो मुझे चार नंबर कोण का प्रतिवर्ती पता करना है। सबसे पहले प्रतिवर्ती हमें क्या ज्ञात होगा, प्रतिवर्ती वो कौन होते हैं, हमने जो कल पढ़ा भी था, जिनका मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 के से छोटा होता है। अब ये कौन, चार नंबर कौन तो हमारा 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता, हमें दिखाई भी दे रहा है ये, ठीक है। इसका मतलब प्रतिवर्ती जब भी कौन हमें ज्ञात करना होगा तो हम 360 में से उस कौन को घटा देते हैं, हमें सी ओ ई का प्रतिवर्ती पता करना है क्योंकि, ठीक है ना। तो 360 में से हमने इसको कौन नंबर चार दिया है तो कोण नंबर मैं चार घटाऊंगा, ठीक है। और बी ओ ई कोण नंबर दो है, ठीक है, तो मतलब मुझे कोण नंबर दो और कोण नंबर चार की वैल्यू निकालनी है। कोण नंबर दो से मेरे पास कोण नंबर वी ओ ई का मान आ जाएगा, ठीक है, और कोण नंबर चार से मेरे पास प्रतिवर्ती सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा, ठीक है। अब हम कोण एक और दो का जोड़ हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, तीन नंबर कोण है जो हमें 40 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे कोण नंबर एक और कोण नंबर तीन बराबर में 40 डिग्री, क्योंकि देखें ए बी किरण, ए बी रेखा और सी डी रेखा दोनों आपस में ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जिस कारण कोण नंबर एक और कोण नंबर तीन आपस में बराबर होंगे, जिनको हम रीजंस लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण इसका कारण हो गया। अब एक नंबर कोण की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री आ चुकी है, तो हम एक नंबर कोण का मान भरेंगे इसके अंदर, ठीक है। एक नंबर कोण क्योंकि हमारे पास 40 डिग्री का, और दो नंबर कोण हम पता करेंगे 70 माइनस 40 मीन्स 30 डिग्री का, ठीक है। हमारे पास कोण नंबर दो आ गया, इट्स मीन्स कोण नंबर कोण बी ओ ई आ गया। आप इसको दो नंबर लिखकर भी छोड़ सकते हैं, और बाद में अगर इसको लिखना चाहें बी ओ ई बराबर में 30 डिग्री तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अब इसी तरह से देखें, अब हमें कोण नंबर चार की वैल्यू ज्ञात करनी है। कोण एक, दो और चार ये ए बी रेखाखंड के ऊपर है। अब इसमें देखेंगे हम, ए बी एक सरल रेखा है, इसलिए कोण नंबर एक, कोण नंबर दो प्लस कोण नंबर चार बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म हो गया, रैखिक युग्म होगा ये, ठीक है। और एक और दो का जो मान है वो हमारे पास ऊपर गिवन है हमें 70 डिग्री, तो इसकी जगह हम 70 डिग्री भर देंगे। 70 डिग्री प्लस कोण नंबर चार बराबर में 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। तो कोण नंबर चार का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70, ठीक है, 180 माइनस 70 हम इसका मान भरेंगे, और इसका मान भरने पर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, कोण नंबर चार की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। कोण नंबर चार की वैल्यू 110 डिग्री आ गई। फिर अगले कंसेप्ट के अंदर हम आगे लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर में 360 माइनस 4,
मतलब 360 माइनस 110 बराबर में 250 डिग्री, ठीक है। ये फिर हमारे पास हमारा प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का मान आ गया, ठीक है। आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट आगे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो में क्या चीज़ है, आपको एक्स बी आई एक रेखा दी गई है, एम एन एक रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु ओ पर, और ओ पी एक रेखा इस पर लंब गिराती है, मीन्स आपका ये जो कोण हो गया वो 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। और इसका मतलब ए और बी का जो मान है वो भी 90 डिग्री हो गया। इन दोनों का अनुपात आपको 2:3 दिया गया है। हमें 2:3 दिया गया तो हम क्या करेंगे इसका हल करने के लिए, सबसे पहले मानेंगे ए बराबर में 2x और बी बराबर में 3x, ठीक है। क्योंकि दोनों का अनुपात 2:3 था इसलिए 2:3 हो गया। हमें क्योंकि ओ पी एक्स वाई पर लंब है ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो उस चीज़ के कारण हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ जो ए प्लस बी है उनका जोड़ 90 डिग्री है, ए की जगह 2x और बी की जगह 3x रखेंगे, 90 डिग्री मीन्स 5x बराबर में 90 डिग्री। तो x बराबर में 90 बटा में 5 बराबर में 18 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास x का मान आ जाएगा। x का मान आने पर हम क्या करेंगे, हमें कौन c का मान ज्ञात करना है इसके अंदर। तो c का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है, या तो a और b के जोड़, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसके शीर्षमुख कोण के बराबर होगा, या b और c का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा सरल रेखा के रूप में। तो हम क्या करेंगे, b का मान ज्ञात कर लें चाहे a का ज्ञात कर लें, वो हमारे कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। हम b का मान ज्ञात करते हैं, 3x है तो 3 × 18 = 54 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि एम एन एक सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा होने के कारण B प्लस C का जो जोड़ कितना होगा वो 180 डिग्री होगा। रीजन क्या रहेगा, रैखिक युग्म, B 54 डिग्री का, ठीक है। तो हम यहाँ से C का मान निकालेंगे, 180 माइनस 54 बराबर में 126 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चंस हो जाएगा, उसका हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को कर कर देखें, कंसेप्ट को बनाएं, आपको अपने आप इन क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। आगे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, एक एस टी एक किरण रेखा दी गई है जिसके ऊपर एक त्रिभुज बनी हुई है पी क्यू आर। हमें कोण पी क्यू आर और पी आर क्यू मतलब कोण नंबर एक और कोण नंबर दो बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है कि कोण नंबर तीन और कोण नंबर चार बराबर होंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो कंसेप्ट जो मेनली यूज़ कर रहे हैं वो हमने, क्योंकि अभी तक इस एक्सरसाइज के बेसिक के अंदर सिर्फ सरल रेखा मीन्स रैखिक युग्म के बारे में और दूसरा शीर्षमुख कोण के बारे में पढ़ा था, तो हम उन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कोई दो लाइन क्रॉस तो कर ही नहीं रही है, इस चीज़ के कारण यहाँ जो हम कंसेप्ट है वो शीर्षमुख कोण का तो यूज़ कर ही नहीं सकते। बचा कौन सा, सरल रेखा का कंसेप्ट। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग जब हम इसका हल करते हैं, एस टी एक सरल रेखा है, सरल रेखा होने के कारण क्या होगा, कोण नंबर एक और कोण नंबर तीन इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा इसका, रैखिक युग्म, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारे पास कोण नंबर दो और कोण नंबर चार इनका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। रीज़न सेम, रैखिक युग्म। अगर आप इनको नंबर दे देते हैं, मान लीजिए इसको नंबर एक दे दें, इसको नंबर दो दे दें, तो एक व दो से दोनों का जोड़ आपस में बराबर है, तो 1 + 3 बराबर में कोण 2 + कोण 4, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान दें आप, कोण एक और कोण दो आपके बराबर हैं, कोण एक और दो बराबर होने के कारण हम उनको कैंसिल कर सकते हैं बाय कैंसिलेशन लॉ। तो हमारे पास बचा क्या, कोण नंबर तीन बराबर में कोण नंबर चार, और यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को देखें, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार हमारा। आगे हम नेक्स्ट अपना चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके अंदर हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। इसके अंदर हमें ये चार कोण आपस में कटते हुए दिखाई दिए, एक बिंदु से शुरू हो रहे हैं जिनका
चारों कोनों का जो उभयन बिंदु है, शीर्ष बिंदु है, वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू दिया गया, जिसके अंदर हमें ये कहा गया कि इन दोनों कोनों का जोड़ जेड और डब्ल्यू कोण के जोड़ के बराबर है। क्योंकि हमें सरल रेखा सिद्ध करना है, तो सरल रेखा का जो कंसेप्ट है वो रैखिक युग्म से बना हुआ है। मीन्स हमें किसी ना किसी कोण को एक्स प्लस वाई, क्योंकि ए ओ बी रेखा होगी, इसके ऊपर एक्स वाई कोण बने, नीचे जेड डब्ल्यू बने हैं, तो एक्स प्लस वाई का जोड़ 180 डिग्री सिद्ध करना होगा या जेड डब्ल्यू का जोड़ 180 डिग्री सिद्ध करना होगा। ये पूरा कंप्लीट कोण, पूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है हमारे पास। तो मतलब चार कोण बन रहे हैं इस पूर्ण कोण को जो पूर्ण कर रहे हैं, उन चारों का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्योंकि जेड प्लस डब्ल्यू बराबर में एक्स प्लस वाई, ये हमें दिया हुआ है, तो हम एक्स प्लस वाई और की को रख लेते हैं और जेड प्लस डब्ल्यू की जगह एक्स प्लस वाई ही रख लेते हैं। तो ये हमारे पास दो एक्स और दो वाई हो गए, दो हम कॉमन निकाल लें 360 डिग्री, तो जो एक्स वाई का जोड़ है वो कितना आ गया, 180 डिग्री, क्योंकि 360 को आप दो से भाग करेंगे तो 180 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब दो कोनों का जोड़ 180 डिग्री है, ठीक है, ये क्या हो गया, परंतु यह है एक रैखिक युग्म है, ठीक है, परंतु यह एक रैखिक युग्म है। उस रैखिक युग्म होने के कारण, ठीक है, तो हमारे पास जो ए ओ बी है वो क्या होगी, एक सरल रेखा होगी, इसलिए ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है बनी, ओके, अब हम अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पाँच। आगे हम क्वेश्चन नंबर पाँच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच के अंदर हमें पी ओ बी एक पी ओ क्यू एक सरल रेखा दी गई है, ओ आर इस पर लंब है, मतलब कोण नंबर एक और कोण नंबर दो और तीन का जोड़ 90 डिग्री है हमारे पास। ठीक है, हम दिया है के अंदर ये चीज़ भी कह सकते हैं कि कोण दो प्लस कोण तीन। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि जो सिद्ध करना है, कोण नंबर दो मीन्स ये आर ओ एस जो आपका बुक में लिखा हुआ मिलेगा, आधा है कोण नंबर चार मीन्स क्यू ओ एस माइनस कोण नंबर तीन मतलब पी ओ एस, उन दोनों के एक डिफरेंस का आधे के बराबर है। हमें क्योंकि इन दोनों को घटाना है, तो हमारा जो टारगेट मेन रहेगा, हम इन दोनों चीज़ों के बारे में ही पता करने की कोशिश करेंगे। कोण नंबर चार हम यहाँ पर शुरू करते हैं, कोण नंबर चार ये हमारे पास क्या है, कोण नंबर एक और कोण नंबर दो के जोड़ के बराबर है। ठीक है, एक आपका 90 डिग्री का कोण हो गया, दो आपके पास है ही, इसको हमने पहली समीकरण नंबर दे दिया। ऐसे ही हम कोण नंबर तीन की, जो हमें दूसरा घटा पता करना था उसके बारे में पता करते हैं। कोण नंबर तीन आपके इस पूरे कोण में से कौन से पी ओ आर, इसमें से आपके पास ये कोण पता कर रहे हैं, तो हम क्या करें, 90 माइनस कोण नंबर दो कर देते हैं इसे। ठीक है, उस चीज़ के बराबर है ये। अब क्योंकि हमें चार और तीन का अंतर पता करना है, तो हम दोनों को आपस में घटा देंगे, एक माइनस दो। ठीक है, मीन्स एक में से दो को घटाने पर, एक में से दो को घटाने पर कोण नंबर चार माइनस कोण नंबर तीन, जब घटाएंगे तो 90 में से 90 कट जाएगा माइनस, और कोण दो ये माइनस के कारण, देखिए 90 प्लस कोण दो माइनस, माइनस के कारण इसके निशान बदलेंगे, 90 प्लस दो। ठीक है, और माइनस माइनस के कारण प्लस 90 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक और एक दो कोण, कोण दो डबल हो जाएगा, कोण नंबर चार माइनस कोण नंबर तीन। ठीक है, ये कंसेप्ट बनेगा हमारे पास। अब इस चीज़ को अगर जब हम आगे करेंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा ये कंसेप्ट का, कि कोण नंबर दो आधा कोण नंबर चार माइनस कोण नंबर तीन। ठीक है, उन दोनों के अंतर के बराबर सिद्ध हो जाएगा। जो चीज़ हमें सिद्ध करनी थी वो कंसेप्ट हमारा सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद अब हम लास्ट एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन छठा देखेंगे कि हम उसको किस ढंग से करेंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, एक कोण दिया गया है एक्स वाई जेड 64 डिग्री का, और एक्स वाई को आगे बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, और इस पी वाई जेड कोण को समद्विभाजक किया गया है
समद्विभाजक किया गया, इसका समद्विभाजक एक रेखा खींची गई है बीच में जो इस पी वाई जेड कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और ये जो रेखा है वाई क्यू है, मीन्स हम यूँ कह सकते हैं कि कोण नंबर एक और कोण नंबर दो ये आपके बराबर हैं। हमें जो इसके अंदर ज्ञात करना है, एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई क्यू मीन्स कोण, अगर मैं इसको तीन नंबर नाम दे दूँ कोण को, तो दो और तीन का जोड़ पता करना है हमें। नेक्स्ट स्टेप क्यू वाई पी इसका मतलब कोण नंबर एक का हमें प्रतिवर्ती पता करना है, ठीक है। इसके कंसेप्ट के अंदर देखिए बड़ा ही इजी सा कंसेप्ट है, क्योंकि सरल रेखा दी हुई है तो सबसे पहले सरल रेखा के कंसेप्ट पर ही हमारा काम शुरू होगा। पी वाई एक्स एक सरल रेखा बन गई है हमारी। सरल रेखा होने के कारण हम क्या करेंगे, कोण नंबर एक, कोण नंबर दो और कोण नंबर तीन, तीनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा। ये दोनों कोण आपके बराबर थे तो आप इनको सबसे पहले यहाँ पर मान भी सकते हैं, इनको एक्स मान लें, ठीक है। एक्स डिग्री, ये एक्स डिग्री, दो एक्स डिग्री, और जो तीन का मान है वो 64 डिग्री। तो दो एक्स 180 माइनस 64 बराबर में 116 डिग्री, ठीक है। जो एक्स हो गया हमारे पास, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हम 116 को दो से भाग कर देंगे। 116 को दो से भाग करने पर हमारे पास 58 डिग्री, हमारे पास ये हमारा एक्स का मान आ जाएगा। ये एक्स के मान का मतलब क्या है यहाँ पर हमारे पास, कि कोण नंबर एक और कोण नंबर दो ये आपके पास, ठीक है, कितने के आगे 58 डिग्री का मान आ गया इन दोनों कोणों का, ठीक है। हमें जो कोण पता करना है, हमें सबसे पहले इन्होंने एक्स वाई क्यू कोण पता करने के लिए कहा। एक्स वाई क्यू मतलब कोण नंबर दो और कोण नंबर तीन दोनों का जोड़ हमें पता करना है, एक प्रकार से वो कोण निकालना है। दो हमारे पास 58 डिग्री का है और तीन हमारा 64 डिग्री का, दोनों को हमने जोड़ दिया, हमारे पास 122 डिग्री ये कोण का मान हमारा आ गया आंसर आ के रूप में। और नेक्स्ट इन्होंने हमें जो पता करने के लिए कहा है वो क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती, मीन्स प्रतिवर्ती कोण पता करना है हमें। किसका प्रतिवर्ती पता करना है, क्यू वाई पी का। और हम जानते हैं प्रतिवर्ती में हम क्या करते हैं, 360 माइनस, क्योंकि क्यू वाई पी को कौन क्या है कि माइनस 360 माइनस क्यू वाई पी लिख लें या कोण नंबर एक लिख लें, वो आपकी च्वाइस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 360 माइनस 58 डिग्री मीन्स 302 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा जो दोनों हमें ज्ञात करने के लिए कहे गए थे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर ये मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियोस के अंदर हम अपनी अगले नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, सीखेंगे, उनके बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू।